हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले मैंने आपको कराया था साइकोमेट्री का एक टॉपिक चल रहा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंसिबल हीटिंग क्या होती है। अब हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में जो आपको टॉपिक मिलेगा वो टॉपिक है सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, सेंसिबल कूलिंग है। कूलिंग तो आपको पता है कम टेम्परेचर होती है। तो क्या है सेंसिबल कूलिंग, कौन कौन से इसमें टर्म्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमारे एलपी में जो सीपीटी 2 एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेंसिबल कूलिंग। यहाँ पर मैंने राइट साइड पर आपको देख रहा होगा एक साइकोमेट्रिक ग्राफ बनाया हुआ है। ये पूरा साइकोमेट्रिक ग्राफ है जिसमें ये जो लाइन है, मतलब जो वर्टिकल लाइन है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइंस। अगर ये वर्टिकल लाइंस पे देखें तो वर्टिकल लाइंस में जो चेंज आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट स्पेसिफिक इम्यूनिटी को। किसको? स्पेसिफिक इम्यूनिटी को, जिससे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम डब्ल्यू, सॉरी डीबीटी बोलते हैं, मतलब ड्राइवर टेम्परेचर बोलते हैं। इसके बाद इसमें कर्व लाइन मैंने ड्रॉ नहीं की गई है, लेकिन जो कर्व लाइंस, सॉरी जो आपके इंक्लाइन लाइंस होती हैं उनको हम डब्ल्यूबीटी बोलते हैं, मतलब बैकवर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। और जो कर्व लाइन होती है उनको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये सारे स्पेसिफिकेशन है इस पूरे हमारे पास साइकोमेट्रिक ग्राफ का। ठीक है, तो अब होता है क्या हमारे पास सेंसिबल कूलिंग, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम अपनी स्पेसिफिक जो हमारे पास सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, अगर हम अपनी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब डब्ल्यू को कॉन्स्टेंट कर दें और अपने डीबीटी के टेम्परेचर को कम करें, यानी जो डीबीटी है उसको कम करें। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राफ में मैंने डीबीटी की वैल्यू ये आप देख रही है 30 से 15 कर दी है। जब हम अपने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब डब्ल्यू को कॉन्स्टेंट कर दें, ये मतलब डब्ल्यू है जिसको मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया है, और अपने डीबीटी की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो जब आप डीबीटी की वैल्यू कम होगी तो आपको पता है टेम्परेचर कम हो रहा है, तो एक तरह की कूलिंग जनरेट होगी। इस कूलिंग को हम कौन सी कूलिंग बोलेंगे, इस कूलिंग को बोलेंगे हम सेंसिबल कूलिंग। तो समझ गए सेंसिबल कूलिंग क्या होती है। सेंसिबल कूलिंग ये होती है कि जब भी हम अपने स्पेसिफिक, ये बात याद रखिएगा जो टर्म्स है, स्पेसिफिक आपकी ह्यूमिडिटी को कॉन्स्टेंट करेंगे, क्या होती है हमारे पास कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग। जब हम अपनी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कॉन्स्टेंट कर देते हैं और डीबीटी के टेम्परेचर को कम करते हैं, तो जो कूलिंग जनरेट होती है सिस्टम के अंदर, उस कूलिंग को बोलते हैं हम सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस आते हैं सेंसिबल कूलिंग के कारण सिस्टम के अंदर। पहला चेंज तो यही आता है, जब हम डीबीटी ग्राफ में 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो आपको पता है इंक्लाइन लाइन जो होती है नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। ये इस तरीके से इंक्लाइन लाइन है हमारे पास, नीचे की तरफ मूव कर रही है। और आपको पता है जब इंक्लाइन लाइन में नीचे की तरफ हम जाते हैं तो डब्ल्यूबीटी की इंक्लाइन लाइन होती है, डब्ल्यूबीटी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? डब्ल्यूबीटी को रिप्रेजेंट करती है। जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास पता है डब्ल्यूबीटी कम होता है, मतलब बैकवर्ड टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है। दूसरी चीज होती है कर्व लाइन, जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं तो कर्व लाइन जो हो रही है ऊपर की तरफ जा रही है, ये टेंपरेचर जो है तो कर्व लाइन में ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ने लग जाती है। यही मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सेंसिबल कूलिंग के अंदर क्या होता है। सेंसिबल कूलिंग के अंदर जो ड्राइवर टेंपरेचर यानी कि डीबीटी होता है उसकी वैल्यू कम होती है, और डब्ल्यूबीटी की वैल्यू कम होती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, और जो एट द ये जो कर्व दिख रहा है उसको हम सैचुरेशन कर्व बोलते हैं। सैचुरेशन कर्व की खासियत क्या होती है? सैचुरेशन कर्व वो कर्व होता है जिस पर आपके पास डब्ल्यूबीटी और डीबीटी दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम हो जाती है। मैंने आपको बताया था अगर ये हम इसको आगे तक ले जाएं इंक्लाइन लाइन को, ये मैंने इंक्लाइन लाइन को आगे तक ले लिया, या इसको ये पॉइंट का यहां से मिल जाएगा, यहां से इंक्लाइन लाइन के नीचे तरफ आइए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो सैचुरेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। सैचुरेशन पॉइंट किस पर लाई करता है? सैचुरेशन कर्व पर लाई करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिमेंबर करा देता हूँ सेंसिबल कूलिंग क्या होती है। जब हम अपने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कॉन्स्टेंट कर देते हैं और डीबीटी की वैल्यू को कम करते हैं तो जो कूलिंग जनरेट होती है उस कूलिंग को बोलते हैं हम सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, होता क्या क्या है इस कूलिंग से, इस कूलिंग से पहला काम ये होता है कि डीबीटी की सॉरी डब्ल्यूबीटी की वैल्यू कम हो जाती है। इसकी वैल्यू कम हो जाती है, डब्ल्यूबीटी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी मतलब बैड टेम्परेचर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो इंक्लाइन लाइन होती है वो नीचे की तरफ आने लग जाती है। तीसरी चीज हमारे पास होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो कर्व लाइन होती है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। जब कर्व लाइन ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बढ़ने लग जाता है, और ये कितने तक जाता है, ये जाता है 100%। 100% जब ये हो जाता है तो इस चीज को बोलते हैं सैचुरेशन कर्व। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास जो टोटल मैंने आपको बताया था कि सेंसिबल कूलिंग क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइकोमेट्री क्या होती है। साइकोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ आपका एयर कंडी इन विच वी डील विद द मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर से कंडीशन करते हैं। उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया, उसके टर्मिनोलॉजी के बाद हमने डीबीटी, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है डीबीटी है, डब्ल्यूबीटी है, रिलेटिव आपकी इम्यूनिटी है, स्पेसिबिलिटी, इसके बारे में बात की। उसके बाद हमने सेंसिबल हीटिंग की बात की, और द लास्ट हमने सेंसिबल कूलिंग की बात की। आप इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं
जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपने कभी कोई वीडियो देखा नहीं है, आगे पहले मैंने अपलोड किए हैं, अगर कोई नया है मेरे चैनल पर तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को एक साथ देख सकता है, ठीक है, और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, students.